नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर क्लासेस पे। अपन नोटपैड के बारे में पढ़ रहे हैं। नोटपैड के बारे में पढ़ने से पहले अपन नोटपैड चालू कर लेते हैं। नोटपैड चालू करने के लिए यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नोटपैड लिखा आ रहा है तो नोटपैड पर क्लिक कर देंगे, और यदि यहाँ पर नोटपैड नहीं आ रहा है तो यहाँ पर नोटपैड टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे तो नोटपैड चल जाएगा। तो नोटपैड यहाँ पर पहले से है तो सिंगल क्लिक करेंगे तो नोटपैड चल जाएगा। फिर इसको मैक्सिमाइज़ करना है, ये रिस्टोर डाउन स्थिति में आ रहा है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे। पिछली क्लास में अपन नोटपैड की पिछली क्लास जो थी उसमें अपन ने फाइल कमांड के बारे में पढ़ा। फाइल कमांड जितने पसंद थे वो अपन ने पढ़ लिए। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो एडिट कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर जो सारे फंक्शन है वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड से, ये टाइप कर रखा मैंने, और यहाँ से अगर अपन यहाँ पर अंडू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अंडू का ऑप्शन आ रहा है, अंडू क्लिक करेंगे तो ये पीछे चल जाएगा और वापस उसी पे क्लिक करेंगे तो वापस रीडू भी जाएगा। तो ये अंडू और रीडू इसी दोनों इसी से होते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है कंट्रोल जेड, यहाँ से आप अंडू भी कर सकते हो और वापस रीडू करना तो इसी पर क्लिक करोगे तो वापस रीडू भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कट कॉपी और पेस्ट, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट। यदि आपको कोई यहाँ से ये वर्ड ये जो कॉपी यहाँ से कट करने हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कट कट पे क्लिक कर लेंगे और आपको इंटर दबा देंगे जैसे यहाँ पे अपन, और यहाँ नीचे लाके यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट कर देंगे तो ये कट पेस्ट हो जाएगा। कट का मतलब जहाँ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी का मतलब जैसे कि ये लाइन है इसको सेलेक्ट किया अपन ने, फिर एडिट में गए और ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी पर क्लिक कर देंगे। अब ये कॉपी यहाँ पर भी रहेगी, ये मेन कॉपी जो है, और ये कॉपी यहाँ बन जाएगी इसकी, इसके लिए पेस्ट कर देंगे। तो कट पेस्ट, फाइल कट हटानी हो वहाँ से, आपको यहाँ नहीं रखनी हो तो कट कर देंगे, और यहाँ यहाँ पेस्ट करनी तो पेस्ट कर देंगे। यदि आपको यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए तो फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। कट कॉपी और पेस्ट अपन देख लिया। यदि आपको डिलीट करनी हो, ये सेलेक्ट किया और इसको डिलीट करना हो आपको जितना भी एरिया, अगर आपको पूरा सेलेक्ट सारा हटाना हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी आ रहा है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और कीबोर्ड से डिलीट दबाओगे तो भी डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर एडिट का यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ डिलीट भी कर सकते हो। तो इस सेलेक्ट वाला ऑप्शन भी अपन ने देख लिया, सारा ऑल सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। आप अंडू कर लेते हैं। यदि आपको ऑल सेलेक्ट नहीं करना हो, ये तो सेलेक्ट ऑल है, और यदि आपको एक लाइन सेलेक्ट करनी हो तो आप यहाँ से माउस से खींच के भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये माउस की सहायता से सेलेक्ट कर सकते हो जितना सेलेक्ट करना चाहो, या शॉर्ट की का यूज करना चाहो तो शिफ्ट के साथ में एरो कीज यूज करेंगे अपन, लेफ्ट एरो कीज की सेलेक्ट की अपन ने तो सेलेक्ट हो जाएगी ये, जिधर कर्सर रखोगे उधर। यदि आपने कर्सर आगे रखा और यदि आप यहाँ आगे रख के फिर राइट साइड में सेलेक्ट करना चाहो तो राइट साइड में सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ में एरो कीज से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। यदि आपको डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपको अगर यहाँ पे जो भी टाइप किया उसको आपको सर्च करना हो बिंग की सहायता से तो बिंग की सहायता से आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो, या डायरेक्ट सर्च में आ जाएगा और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो उसको। यदि आपको फाइंड करना हो वर्ड को तो ये फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप वर्ड वगैरह फाइंड भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ मैंने छोटे छोटे वर्ड लिख रखे हैं यहाँ पे, यदि इनमें से कुछ फाइंड करना हो आपको तो यहाँ फाइंड भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बार बार जो वर्ड आ रहा है वो है एफ, एफ बहुत सी बार आ रहा है, जी भी बहुत सी बार आ रहा है तो जी सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई से जी सेलेक्ट कर सकते हो आप, और यहाँ पर एडिट जाओगे और फिर यहाँ ऑप्शन आ रहा है फाइंड, तो फाइंड भी जैसे क्लिक करेंगे अपन ये जी सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जी जहाँ भी होगा वो बता देगा फाइंड नेक्स्ट, फाइंड जो जी आ रहा है नेक्स्ट वाला वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर कोई भी जी आगे आगे नहीं है तो नेक्स्ट लास्ट वाला अपन ने सेलेक्ट कर लिया तो ये ऑप्शन नहीं देगा। यदि अपन फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया मैं जी, अब एडिट पे जाएंगे और ये फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो आगे वाले चले जाएगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे जहाँ भी होगा यहाँ इस लाइन में होगा या यहाँ पर तो फाइंड नेक्स्ट पर चले जाएगा, ये यहाँ पे है यहाँ पर चले जाएगा। तो यदि आपको कोई वर्ड ढूंढना हो पूरे पेज में तो आप ढूंढ सकते हो, ये फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, फाइंड नेक्स्ट पर करेंगे तो आप नेक्स्ट करके आप ढूंढ सकते हो यहाँ से। तो किसी भी वर्ड को फाइंड करना हो तो फाइंड का ऑप्शन, और फाइंड नेक्स्ट करना हो तो डायरेक्ट आप फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हो यहाँ से, ये फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पे था यहाँ चला गया, अब आप एक बार और फाइंड करोगे अगर कोई जी होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो मना कर देगा वो यहाँ पे, जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे और कोई जी है नहीं तो कैन नॉट फाइंड का ऑप्शन आ गया जी, यहाँ से डायरेक्ट आप फाइंड भी कर सकते हो फाइंड नेक्स्ट। यदि आपने ये जी वाला यहाँ सेलेक्ट किया यहाँ, और अगर आप फाइंड नेक्स्ट अप करोगे यहाँ पे तो वो आगे वाला सेलेक्ट कर लेगा आप।
तो ये फाइंड करने के लिए, ये फाइंड नेक्स्ट करना हो आपको तो फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो, डायरेक्ट फाइंड प्रीवियस करना हो आपको, यदि आपने अभी अभी फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पर आ गया, अब वापस फाइंड प्रीवियस करेंगे तो जो पिछला वाला अपने फाइंड नेक्स्ट किया था वहाँ चल जाएगा डायरेक्ट, ये प्रीवियस में, ये वापस यहाँ चल जाएगा प्रीवियस में, प्रीवियस में आ गया। अब वापस फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और वापस प्रीवियस करेंगे ये, तो अगर प्रीवियस वाला आपको फाइंड करना हो फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन भी आता है, प्रीवियस करना हो तो, और फाइंड नेक्स्ट करना हो तो नेक्स्ट भी कर सकते हो। और यदि आपको किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस का ऑप्शन भी आ रहा है, रिप्लेस आप कर सकते हो। जैसे अपने जी सेलेक्ट कर रखा तो जी का ऑप्शन आ गया, या आप अपने पूरे पेज में, या आपने कुछ भी नाम टाइप कर दिया हो गलत नाम, जैसे आपने पूरे पेज में राम टाइप कर दिया हो, राम नाम टाइप किया हो बहुत सी बार पूरे पेज में, और यदि आपको फिर बाद में पता चला कि राम नाम टाइप नहीं था और उनकी जगह आपको श्याम टाइप करना था, तो फिर आप कैसे चेंज करोगे, तो आप चेंज भी कर सकते हो उसको। जैसे कि अपन यहाँ देख लेते हैं, ये जी जो वर्ड है यहाँ पर जी टाइप नहीं था, और यहाँ पर जितने भी जी है पूरे पेज में उनकी जगह अपन को श्याम चाहिए, तो आप श्याम कर सकते हो। आपको श्याम नहीं चाहिए, यहाँ पर राम चाहिए, तो आप राम टाइप कर दो तो राम आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपको अगर रिप्लेस ऑल करोगे तो केवल ये जो जी सेलेक्ट है वो केवल वही हटेगा और वहाँ पर राम आ जाएगा, लेकिन अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितने भी जी होंगे ये सारे हट जाएंगे पेज में से और वहाँ पर राम आ जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं, रिप्लेस ऑल किया मैंने, सारे जी हट गए और वहाँ पर राम राम आ गया। इसका यूज़ अपन एक फाइल में भी करके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ओपन करके फाइल, यहाँ से नोट फर्स्ट के नाम से जो फाइल है वहाँ पर जैसे ये टाइप कर रखा, इसमें और इजी से समझ पाएंगे अपन। ये राम सेलेक्ट कर दिया अपन ने, और मेरे को पूरे पेज में यहाँ पर राम नहीं चाहिए जैसे कि, तो यहाँ पर एडिट वाली जो ऑप्शन आ रहा है, फिर यहाँ पर जाएंगे अपन रिप्लेस में, ये राम है, अब इसकी जगह अपन को, मेरे को राम जितने भी टाइप थे उनकी जगह मेरे को चाहिए श्याम, तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने जैसे कि श्याम, ये श्याम टाइप कर दिया मैंने। और अगर अपने यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो केवल यहाँ पे ये राम हटेगा और वहां पर श्याम आ जाएगा, और अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितने भी यहाँ पर राम है वो सारे हट गए और उनकी जगह पर श्याम आ गए यहाँ पर। तो यदि आपको पूरे पेज में कोई वर्ड चेंज करना हो, रिप्लेस करना हो, तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आता है, आप रिप्लेस भी कर सकते हो, तो ये रिप्लेस वाला ऑप्शन। और यदि आपको ऊपर नीचे जाना हो लाइन में, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर कर्सर रख रखा है, आपको आगे वाली लाइन में जाना, सेकंड थर्ड फोर्थ में जाना हो, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आता है एडिट कमांड के अंदर, गो टू क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट वाले में चले जाओगे, फिर आप गो टू क्लिक करोगे तो और आगे वाले में जा सकते हो, जैसी लाइन में आपको जाना है यहाँ पर गो टू क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चल जाएगा, ये गो टू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप आगे आगे लाइन में जैसी भी लाइन में जाना चाहो तो जा सकते हो, प्लेग्राफ में जाना चाहो तो जा सकते हो। यदि आपको इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं आप यहाँ से। और यदि आपको यहाँ पर टाइम एंड डेट डालनी हो, यदि आपको यहाँ पर कहीं भी टाइम डेट डालनी हो तो एडिट में गए और टाइम एंड डेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर टाइम और डेट भी डाल सकते हो, करंट टाइम एंड डेट आ जाएगा यहाँ पर, जो भी यहाँ पर करंट टाइम और डेट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो एडिट कमांड के अंदर जितने फंक्शन थे अपन ने सारे पढ़ लिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।